हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, पोको X3 डिवाइस में पोको की तरफ से MIUI 13 का न्यू अपडेट को इंडिया के अंदर ऑफिशियली रोल आउट करना स्टार्ट कर दिया गया। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस न्यू अपडेट का वर्जन एंड साइज क्या देखने को मिला है और इस नए अपडेट के बाद पोको X3 डिवाइस में क्या कुछ नए फीचर्स को यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। साथ ही इस अपडेट को आप लोग अपने डिवाइस में कैसे इंस्टॉल करोगे, तो ओवरऑल इन सभी के बारे में आगे वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूँ। तो जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहे। दोस्तों, अगर आप इंडिया के अंदर पोको X3 डिवाइस को यूज़ कर रहे हो तो आप में से काफ़ी सारे यूज़र्स के डिवाइस में इन दिनों काफ़ी ज़्यादा बग्स यहाँ पे देखने को मिल रहा था। साथ ही हीटिंग का भी इशू देखने को मिल रहा था और अभी भी देखने को मिल रहा है। तो फाइनली इन सभी बग्स को इस न्यू अपडेट के बाद फिक्स कर दिया गया है। दोस्तों, पोको X3 डिवाइस में पोको की तरफ से MIUI 13.0.1.0 का न्यू वर्जन को इंडिया के अंदर ऑफिशियली प्रोवाइड किया गया है एंड इस अपडेट का साइज आपको 2.7 GB देखने को मिलेगा। एंड ये अपडेट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पोको X3 यूज़र्स के लिए, क्योंकि इस अपडेट के बाद उनके डिवाइस में काफ़ी कुछ नए फीचर्स एंड इम्प्रूवमेंट्स यहाँ पे किए गए हैं। दोस्तों, आप जैसे ही अपने डिवाइस में इस न्यू अपडेट को इंस्टॉल करोगे तो सबसे पहले तो आपके डिवाइस में यहाँ पे सिक्योरिटी में अगस्त के मंथ का न्यू सिक्योरिटी पैच यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बात है पोको X3 यूज़र्स के लिए। इसके अलावा दोस्तों, आप लोगों को नए वॉलपेपर्स यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। साथ ही स्पेशल फीचर्स में साइड बार का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और हाँ दोस्तों, MIUI 13.0.1.0 एंड्रॉयड 12 अपडेट के बाद 100 मोड का फीचर्स भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, कंट्रोल सेंटर को भी पूरी तरह से चेंज कर दिया गया है एंड्रॉयड 12 अपडेट के बाद। तो आपको काफ़ी अट्रैक्टिव कलरफुल कंट्रोल सेंटर देखने को मिल जाएगा। जब आप अपने डिवाइस से ऊपर से नीचे स्वाइप करते हो ना, जिसमें बैटरी परसेंटेज, मोबाइल डाटा, ब्लूटूथ, ब्राइटनेस ज़्यादा और कम करने का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलता है, उसे यहाँ पे पूरा न्यू लुक दिया गया है। तो ये भी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। इसके अलावा दोस्तों, इंक्रीज सिस्टम सिक्योरिटी, तो सिस्टम के सिक्योरिटी को इस न्यू अपडेट के बाद और भी ज़्यादा इंक्रीज़ किया गया है। साथ ही सिस्टम में ऑप्टिमाइज सिस्टम परफॉर्मेंस, तो दोस्तों इस MIUI 13.0.3.0 एंड्रॉयड 12 अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद आपके डिवाइस के परफॉर्मेंस को और भी ज़्यादा इंक्रीज़ किया गया है। तो डेली टास्क में, मल्टीटास्किंग में और भी ज़्यादा स्मूथ एक्सपीरियंस यहाँ पे देखने को मिलेगा। साथ ही दोस्तों, पोको X3 यूज़र्स में से काफ़ी सारे यूज़र्स के डिवाइस में बैटरी ड्रेन का इशू यहाँ पे देखने को मिल रहा था और अभी भी देखने को मिल रहा है। तो फाइनली MIUI 13.0.1.0 अपडेट के बाद आपके डिवाइस के बैटरी ड्रेन इशू को यहाँ पे फिक्स किया गया है। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पे इस न्यू अपडेट के बाद गेमिंग सेक्शन में भी ऑप्टिमाइज्ड किया गया है। तो यहाँ पर गेमिंग में पहले के कंपैरिजन में आपको और भी ज़्यादा स्मूथ एक्सपीरियंस यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, पोको X3 डिवाइस में आपको ये सारे फीचर्स और इम्प्रूवमेंट्स पोको की तरफ से ऑफिशियली प्रोवाइड किए गए थे, जो कि मैंने आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर दिया हूँ। दोस्तों, इस नए अपडेट को इंस्टॉल करने के लिए सिंपली आपको अपने डिवाइस के सेटिंग्स वाले ऑप्शन में चले जाना है, फिर सॉफ्टवेयर अपडेट में चले जाना है, फिर अबाउट फोन में चले जाना है एंड लास्ट में आपको वहाँ पे वर्जन चेकआउट कर लेना है। वहाँ पर आपको MIUI 13.0.1.0 का न्यू वर्जन देखने को मिलेगा एंड सिंपली आपको इस न्यू अपडेट को अपने डिवाइस में इंस्टॉल कर लेना है। और अगर आपके डिवाइस में ये न्यू अपडेट शो नहीं हो रहा है तो आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा, 7 डेज के अंदर अंदर आपको ये न्यू अपडेट आपके डिवाइस में देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, बस यही सभी लेटेस्ट अपडेट सामने निकल के आई थी, जो कि मैंने आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर दिया हूँ। एंड ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करें, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बाकी दोस्तों, आप चाहे तो मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम दोनों में फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शनों को लिंक देखने को मिल जाएगा। बाकी मैं मिलता आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।